हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनामिका ऑल इन वन में। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरे ब्लॉग आप सबको कैसे लगते हैं। तो ये वीडियो मैंने दोपहर से शुरू किया है। सामने हमारे घर के जो सामने ईंट रखी थी ना, वहाँ पे एक 15-16 साल का लड़का वो ईंट रखने आया था, तो वो खाना खा के नहीं आया था। जिन्होंने भेजा था उन्होंने बताया था, तो मेरे घर में सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बना लेती हूँ, उसको खाना दूँगी। और बहुत अच्छे से खाना देना चाहिए, अगर किसी को देना है खाना तो मन से दो। तो यहाँ पे मैं उसके लिए थाली रेडी कर रही हूँ और इसके बाद मैं उसको खाना दूँगी। और आज वैसे मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, जितना पॉसिबल हुआ है वो मैंने रिकॉर्ड। सो फ्रेंड्स, मैंने थाली में रखा है सुबह की थोड़ी सी बची थी भिंडी की सब्ज़ी और आम पना बनाया था नमक वाला वो, और आलू और टमाटर की सब्ज़ी मैंने अभी तुरंत बनाई है, रोटियां भी अभी तुरंत ही सेकी हैं, अचार रख दिया है और प्याज रख दी है। और मुझे लगता है वो खुश हो जाएगा क्योंकि वो भूखा है। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि वो भी भैया आया है कि नहीं, तो अभी वो ईंट रखने गया है और इसके बाद मैं उसको खाना दूंगी। और मैंने चढ़ा दिया है चाय, क्योंकि चाय भी दे दूंगी साथ में, फिर मुझे थोड़ा सा आराम भी करना है क्योंकि मैं काफ़ी देर से आज काम में लगी हूँ और वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई फ्रेंड्स। और पापा ने आज खाना नहीं खाया था, तो ऊपर पेंट का काम हो रहा है ना, तो पापा भी वहीं उन्हीं के पास गए और लेट के सो गए थे। तो चलो पापा को दूंगी मैं चाय, और खाने के लिए मैंने बोला पापा को। और मैंने आटा गूंथ के रखा था कि पापा जब खाना खाएंगे तो रोटी में सेकूंगी, तो देखिए उसको खाना था तो उसके नाम का भी आटा गूंथा रखा हुआ पापा? था। पापा खाना खा लीजिए, चाय पी लीजिए, फिर खाना खा लीजिए। कभी कभी बहुत दया आती है कि 10-12 साल का लड़का और इतनी मेहनत करता है पैसों के लिए, लेकिन क्या करें। और मुझे तो उसको देख के बहुत तरस आ रहा था, वो बेचारा खाना भी खा के नहीं आया था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने उसको चाय दी है और इसके बाद मैंने बोला है उससे कि अब अगर तुमको कुछ काम है, कुछ चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। तो अगर हम कुछ करते हैं किसी के लिए तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, मुझे तो मिलता है। मैं तो कभी भी भेदभाव नहीं करती हूँ, जात पात कभी मैं मतलब नहीं रखती हूँ कि ये किस कास्ट का है, ये कौन है, कहाँ का है। मुझे जो करना होता है वो मैं करती हूँ। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था कि वो लड़का भूखा हुआ है तो उसको खाना दे देना, चाय पानी दे देना। वो बाहर ही बैठ के खाना खा रहा था, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अंदर बैठ के खाना खा लो आराम से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाय पीऊँगी, मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ लेकिन थोड़ा सा चाय पीऊँगी। एक ब्लाउज बन गया था, मुझे दूसरा ब्लाउज बनाना है, बहुत सारी साड़ियों में फॉल भी करना है, पीको भी करना है। पीको मशीन नहीं है तो मैं हाथ से पीको करती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हालत देखिए आप, हालत देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ, उमस वाली गर्मी हो रही है क्योंकि पानी गिर रहा है, कभी धूप निकल रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ वायरल मेकअप हैक किए थे, लोड हो चुके हैं चैनल में, तो अगर आपको देखना है तो आप चेकआउट जरूर करिएगा। हो गई है शाम और यहाँ पे देवर जी आ गए थे, मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो यहाँ पे मैं छत में घूमने आई थी, थोड़ा सा देखने आई थी कि कितना काम हुआ है ऊपर का, क्योंकि अब ऐसा लगता है ना कि जल्दी से नीचे काम लग जाए और नीचे का भी काम अच्छे से हो जाए टाइम से, क्योंकि बहुत थकान हो रही है फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से काम घर में लगा हुआ है और यहाँ पे अंधेरा है। तो मैंने देवर जी से बोला है कि लाइट ऑन करिए। और ये रहे मेरे लल्ला, आप सबको हेलो बोल रहे हैं, हरे कृष्णा राधे राधे। तो मैं इनको घुमाने के लिए छत में कभी कभी लेके आती हूँ और इनको मैं हर टाइम घुमाती रहती हूँ और ये बहुत खुश रहते हैं, और इनके साथ साथ हम भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। हमारे नसीब अच्छे हैं कि हमारे घर में लल्ला आए हैं और यहाँ पर लाइट चालू करेंगे, देखते हैं कि कितना काम हुआ है। और इसके बाद करेंगे डिनर, तो डिनर में बताऊँगी कि मैंने क्या बनाया है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ज़्यादा इससे मैं थक जाती हूँ ना, तो काम बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलता है, ऐसा लगता है जल्दी से काम हो जाए, और इसलिए थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि ब्लॉग भी अपलोड करने होते हैं, क्योंकि आप लोगों को इंतज़ार रहता है मेरे ब्लॉग का। तो वही थोड़ा सा मैंने थोड़ा थोड़ा जितना भी पॉसिबल हुआ है रिकॉर्ड किया। और देखिए टाइल्स कैसी लग रही, कमेंट करिएगा, मैंने अपनी पसंद की टाइल्स लगवाई हैं और यहाँ पर लाइटिंग अच्छे से हो गई है। और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये पता नहीं क्या कर दिया है, अच्छे से दिख रहे हैं ये ना,
मस्त है। वहां पे भी पता नहीं क्या है। यहाँ पे जो बचा रहा होगा तो यहाँ पे पोत दिए अंदर। हाँ यार ध्यान ही नहीं था, फिसल जाए। कहाँ निशान वाली भैया, अंदर से अच्छी वाली चप्पल पहन के आई हूँ। नहीं फिर बाद में देखेंगे, दो मुझे डर लग। सो फ्रेंड्स, आज के डिनर थाली में मैंने बनाया था रेड़ुआ और आलू टमाटर की सब्जी, और प्लेन दाल बनाई थी अरहर की, जो देसी होती है वो दाल है, मार्केट वाली नहीं है। और यहाँ पे मैंने रखा है दही और उसमें भुना हुआ जीरा डाला है। डालूंगी यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, और बहुत अच्छा लगता है सिंपल दही। इसके बाद मैंने रखा है सलाद में खीरा और मिर्च, और सलाद हमें बहुत ज़्यादा खाने चाहिए क्योंकि ये हमारे बॉडी में बहुत अच्छा बेनिफिट देती हैं, और हर खाने के साथ हमें सलाद खाना ही चाहिए, अचार खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रखी है रोटी, और यहाँ पे थोड़ा सा रखूँगी चावल क्योंकि मैंने थोड़ा सा चावल भी बनाया था। आज दिन में चावल नहीं बना था इसलिए मैंने रात में थोड़ा सा चावल बनाया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी थाली कंप्लीट हो गई है। कैसी लगी आपको थाली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको गिलकी खाना पसंद है या नहीं, रेरुआ को गिलकी भी बोलते हैं हमारे साइड। और चलिए अब मैं बनाती हूँ ब्लाउज़। तो मैंने पहला ब्लाउज बना लिया था और ये दूसरा ब्लाउज है, और ये साड़ी मैंने मीशो से ली है। हॉल वीडियो मैंने चैनल में अपलोड कर दिए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड जी से अस्तर वगैरह मंगा लिया था क्योंकि अस्तर यहाँ पे थोड़ा सा दूर मिलते हैं, तो एक दिन पहले मंगा लिया था। इसमें बहुत ज़्यादा मुझे ब्लाउज़ बनाने हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है इस समय क्योंकि घर में पेंट का काम भी लगा हुआ है और शादी में भी जाना है। तो चलिए बनाते हैं ब्लाउज और आपके साथ शेयर करते हैं। अगर डिज़ाइन थोड़ा सा ही पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं पहले अपने ब्लाउज़ से नाप लेती हूँ और कटिंग कर लेती हूँ। और अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा वीडियो ऐड किया है क्योंकि आज मेरे पास ज़्यादा कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं था, तो मुझे लगा चलो ब्लाउज़ का ही वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने 4 से 5 फॉल भिगो के फैला दी है क्योंकि बहुत सारा काम है फ्रेंड्स इस समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लाउज़ बनाना। और अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए फ्रेंड्स। कमेंट करके ज़रूर मुझे बताया करिए कि मेरे ब्लॉग आप सबको कैसे लगते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं मेरे ब्लॉग में। जितना मेरे से हो पाता है तो उतना मैं कोशिश करती हूँ करने की। तो यहाँ पर मेरी कटिंग हो चुकी है और अब मैं बनाऊँगी ब्लाउज़।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरे अच्छे से मशीन चला दी, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा फिसल रहा था, इसलिए मुझे चारों तरफ से मशीन पहले पिनअप करना पड़ा है, इसके बाद चारों तरफ मशीन चलानी पड़ी है। और मैं इसमें पाइपिंग, डोरी वाली पाइपिंग बनाने वाली हूँ, तो इतनी पतली पाइपिंग बनती है फ्रेंड्स कि मैं क्या बताऊँ, इतना अच्छा उससे लुक आता है। और बहुत महंगी सिलाई हो गई है इस समय, तो मैंने खुद से ब्लाउज बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्लाउज बनाना मुझसे पहले से भी आते थे लेकिन मेरा मन नहीं लगता था कभी। लेकिन चलो, मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग करती हूँ तो अपने ब्लाउज भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैं फ्रिल वाला ब्लाउज बना रही हूँ, और फ्रिल वाला ब्लाउज मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है अपने लिए, क्योंकि वैसे मुझे डिज़ाइन वाले ब्लाउज पहनना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मैं सिंपल गोल गला के ब्लाउज ही पसंद करती हूँ पहनना। तो ये फ्रंट का है और मैंने बैक का आपको ये साथ शेयर किया है, मैंने गोल गला ही बनाया है फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि बना तो लूँ मैं बहुत सारे डिज़ाइन, लेकिन जब मुझे पसंद नहीं आते हैं तो फिर वो रखे रह जाते हैं। तो पहली बार मैंने फ्रिल वाला डिज़ाइन बनाया है, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और यहाँ पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जब तक फिनिशिंग नहीं आती है तब तक मन नहीं भरता है, इसलिए यहाँ पे बहुत पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे 4 इंच की मैंने पट्टी ली है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, और इससे मैं बनाऊँगी फ्रिल, और मैं स्लीव्स में लगाने वाली हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है, मम्मी ने बोला कि बहुत अच्छी बनी है, और लास्ट में पहन के भी दिखा दूँगी। और मम्मी ने भी सेम साड़ी पहनी थी, और मतलब यही ब्लाउज और साड़ी पहनी थी, मम्मी को ब्लाउज अच्छी लगी, बोला बहुत अच्छी बनाई है तुमने ब्लाउज, बनाया करो और हर डिज़ाइन बनाया करो, किसी को पसंद आएगी तो वो सिलवाएगा तुमसे। मैंने बोला यार मम्मी मैं खुद ही नहीं बना पाती हूँ अपने लिए, तो बोले नहीं काम है करना चाहिए, जब तुमसे अच्छी बनने लगेगी ना तो तुम्हारा भी मन लगने लगेगा, ऐसा मम्मी बोल रही थी। मम्मी की मैं बना लेती हूँ अपनी, सासू मम्मी की बना देती हूँ अपनी, लेकिन वैसे मैं पहले कोशिश करती थी कि मैं खुद के ब्लाउज नहीं बना पाती थी। तो इसलिए देखिए यहाँ पे स्लीव्स बन चुका है, तो कैसा लगा मुझे कमेंट करिएगा। तो फर्स्ट टाइम में स्लीव्स कैसी बनी है ये भी बताइएगा मुझे। और पाइपिंग, जो डोरी वाली पाइपिंग होती ना, उसको सीखने के लिए फ्रेंड्स मैंने इतना स्ट्रगल किया है, मैंने एक दिन और रात मिला के मैंने एक दिन में डोरी बनाना सीखा है। मतलब मुझे ऐसा होता है ना कि मतलब अगर मुझे कुछ चीज़ सीखनी है और अगर मेरा मन हो रहा है तो जब तक वो मेरे से नहीं बनेगी तब तक मेरा दिमाग उसी चीज़ में लगा रहता है। तो यहाँ पर देखिए पाइप, डोरी वाली पाइपिंग ऐसे बनाई जाती है, और सिंपल से मशीन में ही बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब महंगी मशीन में ही बनेगी। तो यहाँ पर मैं आपको आगे दिखाती हूँ, इतनी पतली डोरी बनती है फ्रेंड्स मैं क्या बताऊँ, और बहुत अच्छा लुक आ जाता है इससे। और जिससे मतलब पाइपिंग बनाना नहीं आता है तो डोरी वाली पाइपिंग बनाना सीख लो, मतलब ये समझ लो कि पूरे ब्लाउज का लुक इतना अच्छा हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। देखिए कितनी पतली डोरी बनी है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ब्लॉग, तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और यहाँ पर छोटा सा वीडियो एड कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा ब्लाउज कैसा बना है, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे ऊपर कैसी लग रही है साड़ी। तो मिलती हूँ।